सो अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, जिसमें 5 मार्क्स का तो बिल बनाने आएगा और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और इजी है, जर्नल एंट्री बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, खुद के हाथ से लिखो, मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा। देखो एक सेलर होता है, सेलर क्या करता है, बायर को सेल करता है गुड्स, ठीक है ना। तो सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, लिखना साथ में, हाँ, सेलर ने बायर को सामान बेचा, ठीक है। तो अभी बायर सेलर के लिए क्या है, सेलर को उससे पैसे लेने हैं ना, तो ये बायर सेलर के लिए क्या हुआ, डेटर हुआ। और जो बायर को हम बोलेंगे सेलर की बुक्स में, वो क्या बोलेंगे, ड्रॉई बोलेंगे। ये याद रखना जरूरी है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। और जो सेलर है, देखो बायर सेलर को क्या बोलेगा, बायर को तो सेलर को पैसे देने हैं ना, तो बायर सेलर के लिए हुआ क्रेडिटर, और ड्रॉवर बोलेंगे क्योंकि वो बिल लिखेगा। तो यहां तक तो ठीक है कि सेलर ने बायर को सामान बेचा, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। अब सुनो, बायर सेलर के लिए होगा डेटर, क्योंकि सेलर को बायर से पैसे लेने हैं और सेलर बायर को बोलेगा ड्रॉई। अभी बायर को सेलर को पैसे देने हैं, तो बायर को जब सेलर को पैसे देने हैं, तो बायर के लिए सेलर कौन हुआ, क्रेडिटर, और उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉवर। ये बात याद रखना, ये 1 मार्क की आराम से आ सकती है एग्जाम में। अभी बिल लिखा जाता है ना, कौन बिल बनाता कौन है, तो सेलर जो है, जो कि ड्रॉवर है बिल का, वो बिल बनाता है, और जो बायर है, जो ड्रॉई है बिल का, वो बिल एक्सेप्ट करता है। तो सेलर क्या करता है, ड्रॉज द बिल, लिखता है बिल, एंड बायर या ड्रॉई क्या करता है, एक्सेप्ट द बिल। ठीक है, इन्होंने, सेलर ने बिल लिखा या ड्रॉ किया और बायर को दिया, बायर ने साइन किया यानी कि एक्सेप्ट किया बिल को। ठीक है, अभी वो बिल सेलर के पास ही पड़ा है, तो ही इज द होल्डर ऑफ द बिल, और ये बायर कौन है, एक्सेप्टर। ठीक है, और जब तक बिल ऑनर नहीं हो जाता, ऑनर का क्या मतलब है कि जो बिल में अमाउंट लिखा हुआ है वो पैसा पे नहीं हो जाता, तब तक सेलर होल्डर रहेगा और बायर एक्सेप्टर रहेगा, और इस बिल को एंडोर्स भी कर सकते हैं। मतलब ये सेलर को भी किसी पार्टी को पेमेंट करना था, तो वो है ना, उसको पैसा देने की बजाय वो बिल दे सकता है कि जाओ और है ना, ये बिल का पैसा तुम ले लेना। मतलब ये वाली पार्टी से, ये मैंने तुमको बिल दे रही हो, तो तुम ये पैसा ले लेना बिल का। तो बिल एंडोर्स भी होता है, और दूसरी बात ये भी है कि बिल डिस्काउंट भी होता है, मतलब बैंक से हम बिल डिस्काउंट करा सकते हैं। अभी वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो सुनो, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, अभी फिर सम करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो होल्डर है बिल का, उसको इतने टाइम तक बिल होल्ड नहीं करना। मान लो बिल 3 मंथ्स का है, अभी उसको 3 मंथ्स तक बिल होल्ड ही नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, होल्डर जाएगा बैंक के पास और बैंक को बोलेगा कि मेरा बिल डिस्काउंट कर दो। डिस्काउंट कर दो मतलब 3 महीने तक मैंने वेट करो। यदि 30,000 का बिल है, एक काम करो, आप अपना कुछ कमीशन वमीशन काट लो, 3 महीने तक आप रख लेना वो बिल, मुझे तो अभी जो पैसा बन सकता है वो दे दो। तो बैंक बोलता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको है ना 29,000 अभी का अभी दे देता हूँ, मेरे पास तुरंत पैसा आ गया। यदि मैं सेलर हूँ और मैं होल्डर ऑफ द बिल हूँ, मैं 29,000 रख के खुश हूँ। जो 1,000 है, 30 माइनस 29, वो कमीशन में चला गया, दैट इज वो बैंक अपना कमीशन या चार्जेस मांग के रख लेगा। और जब भी 3 मंथ्स ओवर होंगे, तो बैंक जाएगा इस बायर के पास, दैट इज एक्सेप्टर के पास, कि ये जो 30,000 अमाउंट है ना, ये मुझे पे कर दे। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से काम करेगा। तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया, किसी बच्चे को तो बोल तो नहीं आया मुझे,
मिस लेकिन पूरा पैसा लेता है ना बायर से? हाँ कौन पूरा पैसा लेता? बैंक? हाँ, 30,000 का बिल है तो बैंक तो पूरा पैसा ही लेगा ना। बैंक इतना मगजमारी करेगा क्यों? अभी 29,000 उसने तुरंत दिया है और दूसरे पार्टी से 30 लेगा, तभी तो 1,000 कमीशन मिला। ये वो पैसा है कि बैंक 3 महीने रुका, मुझे नहीं रुकना पड़ा एज होल्डर ऑफ द बिल, मुझे नहीं रुकना पड़ा ना, बैंक रुका। तो ये जो डिफरेंस का 1,000 है, ये बैंक ने कमा लिया, इसीलिए तो बैंक इतना कर रहा है, नहीं तो करने की जरूरत ही क्या थी बैंक को। करेक्ट? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। अभी देखो, हम एक सिंपल क्वेश्चन करने से पहले, देखो ये मैंने एक बार कराया है बट मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितना याद है, तो सिंपल क्वेश्चन करने से पहले जर्नल एंट्रीज हम करेंगे, ठीक है? और वो जर्नल एंट्रीज तुम अपने नोटबुक में लिखोगे, मेरे साथ साथ लिखो। देखो, ड्रॉवर की बुक्स अलग होगी। ड्रॉवर का मतलब क्या है? यहाँ पे क्रेडिटर बोलेंगे ना उसको, दूसरी पार्टी के लिए। और ड्रॉयर की बुक्स अलग होगी। ड्रॉयर कौन होगा? डेटर। ठीक है, साथ साथ में लिखो तभी तो लर्न होता है। ट्रांजैक्शन क्या है? यदि फर्स्ट ट्रांजैक्शन बोले तो है कि है ना, क्रेडिटर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट है, सीधी सी बात है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं लिख रहा है, तुमको कुछ नहीं आएगा क्लास के एंड में, देखना तो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है ना? तो सामान बेचा, सामान बेचने वाला कौन है? ड्रॉवर ही तो है जो सामान बेचता है, सेल्स ड्रॉवर करता है, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो वह एंट्री क्या करेगा? डेटर अकाउंट डेबिट या ड्रॉय अकाउंट डेबिट? तो लिखो डेटर अकाउंट डेबिट, सेल्स जितने भी पैसा का, और इन ड्रॉई ने सामान परचेज किया, और परचेज तो हमेशा डेबिट होता है जर्नल एंट्री में, तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर का नाम या ड्रॉअर का नाम, टू क्रेडिट। यदि यही एंट्री नहीं आती है तो सेल परचेज की एंट्री भी नहीं कर पाओगे। तो यदि तुम सामान बेच रहे हो तो एंट्री करो डेटर टू सेल, यदि तुम सामान खरीद रहे हो तो एंट्री करो परचेज टू क्रेडिटर। इस एंट्री में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या? नहीं मिस। नहीं मिस। ठीक है, और ये लर्न कर लेना बेटा, क्योंकि मैं तुमको बोलूंगी कि ना ये सम करो, तुम यदि लर्न ही नहीं, एंट्री ही लर्न नहीं है, तो तुम देख देख के करना स्टार्ट कर दोगे, और देख देख के करोगे तो एग्जाम को क्वेश्चन के लिए तुम्हारी तैयारी होगी नहीं। मतलब बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ टू गेट 10 on 10 इन दिस चैप्टर। अभी यदि हम एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, ड्रॉवर बिल लिखता है और वो बिल जो है वो ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, यही होता है। और ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल एसेट होता है, और एसेट को हम हमेशा डेबिट करते हैं, और है ना, बिल एक्सेप्ट किसने किया है? ड्रॉई ने। तो ड्रॉई क्या है? एक पार्टी है, तो उसने एक्सेप्ट किया है ना, और बिल रिसीवेबल एसेट है, तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल, पूरा लिखना तुम लोग, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एसेट है ना मेरा, कि मुझे दूसरे, मैंने सामान बेचा है उसके बदले में मुझे बिल रिसीवेबल मिला है, जैसे डेटर लिखते थे डेटर एसेट है इसलिए डेबिट किया, बिल रिसीवेबल भी तो एसेट है, डेबिट करो ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या नाम लिखेंगे? ड्रॉइज अकाउंट। अब यदि यहाँ पर बिल रिसीवेबल है, तुम खुद का दिमाग चलाओ, बिल रिसीवेबल डेबिट है, उसका उल्टा क्या होएगा? बिल पेएबल। नाम भी उल्टा, साइड भी उल्टी, या डेबिट में पड़ा है बिल रिसीवेबल डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट में आना ही पड़ेगा ना उसको, टू बिल्स रिसीवेबल आई मीन टू बिल्स पेएबल अकाउंट। और यहाँ ड्रॉई डेबिट है तो
तो इस वाले साइड में क्या आएगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। जस्ट यदि तुमने ये एंट्री भी लर्न कर ली तो वो ये तो अपने आप आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉई का ही नाम आएगा ना, और ड्रॉई की बुक्स में ड्रॉवर का नाम आएगा। तो यहाँ बिल रिसीवेबल डेबिट में पड़ा है, उसकी जगह टू बिल पेबल क्रेडिट में लिखा, यहाँ पे ड्रॉई का नाम है तो डेबिट में ड्रॉवर का नाम लिखा। समझ में आई सेकेंड एंट्री? हाँ मिस, हाँ मिस, हाँ मिस। अभी जो रिटेन बिल है, रिटेन बिल मतलब जो रखा हमने हमारे पास, रिटेन बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट मतलब ड्रॉई ने पैसा दे दिया, तो यदि बिल ऑनर्ड है मतलब पैसा आ जाएगा ड्रॉवर के पास, और पैसा आता है तो कैश या बैंक डेबिट होता है, इतना बात पता होगा तुमको। बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बच्चों कल के लिए नहीं छोड़ना ये एंट्रीज, लर्न करके इससे छोटे छोटे सम्स कर लेना, कल कुछ नहीं होता। बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, पैसा मिल गया ना तो कैसे ऑनर करें, कैश या बैंक डेबिट करो, एसर्ट है पैसा मिल चुका है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा मिला। और अब क्रेडिट किसको करोगे, देखो बिल रिसीवेबल एसर्ट बनाया था कि इससे पैसा लेना है, अब ये पैसा दे चुका है तो अभी बिल रिसीवेबल डेबिट में कैसे रहेगा, उसको फिनिश करो क्योंकि पैसा मिल गया ना, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है ये ऑनर हो गया। और इस बंदे ने तो पैसा दिया है तो ये कैश और बैंक जो डेबिट में पड़ा है ये इसके लिए होगा टू कैश या बैंक, और यहाँ पे जो बिल रिसीवेबल है इसका रिवर्स मारोगे तो क्या होगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब बिल पेबल खत्म हुआ। जब फर्स्ट टाइम बिल रिसीवेबल अराइज हुआ था तो वो ये देखो ना यहाँ पे क्रेडिट में पड़ा था, अब इसको फिनिश करना है तो इसी को मैंने डेबिट में डाल दिया। और या तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो या तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, इसका रिवर्स मारो इधर क्रेडिट में और बिल रिसीवेबल का रिवर्स मारो बिल पेएबल डेबिट, जैसे दिमाग को बैठाना है बिठा लो। एंट्री सोचने में एक मिनट एग्जाम में नहीं लगना चाहिए, एंट्री याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, मान लो बिल ऑनर की बजाय बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, तो अभी भी क्या करोगे, यदि रिटेन्ड बिल डिसऑनर, यदि रिटेन बिल डिसऑनर है मतलब अगली पार्टी ने ऑनर ही नहीं किया, पैसे ही नहीं दिया, तो पैसे ही नहीं दिया तो मैं क्या करूं, मैंने जो ये ड्रॉई को क्रेडिट किया था कि भाई इसके बदले बिल रिसीवेबल दे दे, अरे अब मैं वापस इससे पैसा मांगूंगी तो मैं क्या एंट्री करूंगी, ये जो क्रेडिट में पड़ा है ना इसको उठा के मैं डेबिट में लेके आऊंगी, लिखूंगी ड्रॉईज अकाउंट डेबिट और ये जो बिल रिसीवेबल मेरे डेबिट में था ना इसको मैं क्रेडिट में लेके आऊंगी, टू बिल्स रिसीवेबल। मतलब सिंपल सी बात है, जब एक्सेप्ट किया था उसका उल्टा एंट्री घुमा दो, यदि तुम्हारा दिमाग ये बैठा लेता है एक्सेप्ट किया उसका उल्टा एंट्री डिसऑनर का होगा, तो तुमको एक्सेप्ट की एंट्री पता ही है बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, उसका उल्टा करो ना ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल हो गया डिसऑनर, ठीक है। और सेम वे ड्रॉवर टू बिल पेएबल एक्सेप्ट की एंट्री थी, इसका उल्टा करो ना क्या करोगे, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर को किया था डेबिट कर दो क्रेडिट उसको ड्रॉवर, ये मैंने डिसऑनर की एंट्री की। लिखो नंबर टू का यदि डिसऑनर होता है एक्सेप्टेंस का जस्ट रिवर्स एंट्री मार देना, तुम्हारा डिसऑनर का एंट्री, ठीक है समझा। आदि भाविका अनन्या ऋतिका कोई भी बच्चा जिसको नहीं, हाँ मैं समझा समझा मिस। चलो अभी रिटेन बिल डिसऑनर तो हुआ ही हुआ और साथ साथ में उसके नोटिंग चार्जेस भी लगे, अब ये नोटिंग चार्जेस कौन देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो बिल नोटिंग कराने जाएगा ना वो ड्रॉवर ही होगा ना, क्योंकि उसकी कोई होल्डर था, उसी के तो हाथ में बिल था, तो वो जो नोटिंग चार्जेस है वो है ना एक बार तो उसी की जेब से जाएगा, तो ड्रॉवर की बुक्स में से ही पैसा निकलेगा, और जब ये इसको पैसा देना पड़ेगा तो वो टू कैश करेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, मतलब जो ऊपर फोर्थ में थी ना मैंने वही किया है, ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल, लेकिन मेरे साथ में नोटिंग चार्जेस भी लग गया तो टू कैश, और नरेशन में मैं लिखूंगी कि इतना नोटिंग चार्जेस मेरी जेब से लग गया। और इसमें भी मैं ये एंट्री ये करूंगी, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, नोटिंग चार्जेस, देखो ड्रॉवर की गलती, मुझे एक बात बताओ ड्रॉवर की गलती है कि नोटिंग चार्जेस लगे कि ड्रॉई की गलती है, गलती किसकी है ये बता सकते हो, ड्रॉई की ना, ड्रॉई की गलती है, तो ये एक्सपेंसेस बन के किसके बुक्स में डेबिट होना चाहिए, ड्रॉई की, तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, गलती तेरी है, यदि तू बिल डिसऑनर नहीं करता तो नोटिंग चार्जेस डेबिट भी नहीं होते, तो अभी खर्चा तू ही उठा, मैंने सिर्फ एक बार कैश दिया है लेकिन मैं वसूलूंगी तुझी से एज अ ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस तेरा खर्चा मेरा नहीं है, क्योंकि तू डिसऑनर नहीं करता तो नोटिंग चार्जेस लगते भी क्यों मुझे, तो एक बार मैंने सिर्फ कैश तेरे को दे दिया है, मतलब नोटिंग चार्जेस का कैश मैंने पे कर दिया लेकिन पैसा खुद से ही लूंगी, तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गई बेटा तुम लोग को? हाँ मिस। तो आप है ना जो भी इलस्ट्रेशन सिंपल वाले हैं आपके बुक्स के वो आपको करने चाहिए, यदि आप नहीं करोगे तो क्या मतलब है ना, इट इज लाइक इजी इजी चैप्टर और उसमें भी अपना 10 मार्क्स नहीं मिल रहा है अपने को, तो तकलीफ ही है। अच्छा अभी ना नेक्स्ट एक और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन वो लोग डालते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, वो बिल बनाने को बोलेगा एग्जाम में 5 मार्क्स का, और एक कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, तो कितनी मजेदार बात है ये कि वो कंपलसरी क्वेश्चन में आ रहा है, मतलब तुम एक तो वो क्वेश्चन नंबर 1 का एक सेट तो तुम ये उठा ही सकते हो ना, ज्यादा सोचना, दूसरा क्वेश्चन रीड करने में भी तो टाइम बर्बाद होता है, उसकी जगह कुछ और रीड करते ना, रीडिंग टाइम 15 मिनट्स में, तो बिल ऑफ एक्सचेंज हेडिंग डालो सबसे पहले, ठीक है, स्टैम्प बनाने नहीं भूलना, ड्रॉ करो मेरे साथ, किसी को भी बोलूंगी ला पिक्चर दे क्या बनाया तुम, ठीक है, उसके बाद देखो स्टैम्प के जस्ट नीचे अमाउंट का खांचा नहीं भूलना, रुपीज वॉट एवर इट इज, से बिल बन रहा है 40,000 का तो 40,000 आ जाए। अभी ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर, इस पे तुम किसका नाम लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखो पर्सन हु मेक्स द बिल, पर्सन हु मेक्स द बिल, उस पर्सन का नाम क्या है, मतलब हु मेक्स द बिल या ही सेल्स द गुड्स या ही विल रिसीव मनी, कुछ भी हो सकता है ना, सब नाम लिखो वो क्वेश्चन में किसी भी नाम से, तुमको आना चाहिए पर्सन हु मेक्स द बिल या ही विल रिसीव मनी। मिस हम ड्रॉअर करके लिख सकते हैं क्या? हाँ मैं वो भी बोल रही हूँ अभी, ही विल रिसीव मनी या फिर सेलर ऑफ द गुड, क्वेश्चन में किस नाम से देगा अपने को पता नहीं ना, अपन को आइडेंटिफाई करने जो भी वो दे सकता है मैं सब बता रही हूँ, सेलर ऑफ द गुड्स और या
फिर वो ये भी बोल सकता है ड्रॉवर, वो ये भी बोल सकता है क्रेडिटर, जो भी नाम से बोले तुम तो पकड़ लिए ना कि उसको इधर ही लिखते हैं। तो हम लिखेंगे क्या इसमें, उसका नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे एंड डेट लिखेंगे। समझ में आया यहाँ तक बेटा? कोई बच्चा है ना, मान लो है ना फर्स्ट जून है, तो फर्स्ट जून ऐसे लिख के छोड़ के नहीं आएगा, ईयर भी लिखोगे तो ठीक है ना, वट एवर इट इज। अभी फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटेंस होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि वो यहाँ पर सेंटेंस लिखेगा, वो सेंटेंस की वर्डिंग लर्न कर लो, पांच नंबर के लिए हमको करने चाहिए। अभी एस डी करके यहाँ लिखना है तुमको, एस डी यहाँ पर किसी पार्टी का नाम होता है, कौन है वो पार्टी बोलो, यहाँ पे किसका नाम मैंने सिखाया है, ये पार्टी कौन है वो? अरे जिसने बिल बनाया, हाँ मतलब यहाँ पर भी ड्रॉवर है और यहाँ पर भी ड्रॉवर ही है, ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ टू करके लिखा होगा, टू सो एंड सो पार्टी का नाम होगा और उसका एड्रेस होगा, लेकिन किसका नाम किसका एड्रेस, नाम बताओ एड्रेस बताओ, किसका नाम किसका एड्रेस? ड्रॉई, या तो मैं इसको ड्रॉई बोलू या और क्या बोल सकती हूँ, डेटर भी तो बोल सकती हूँ, क्वेश्चन में डेटर करके दे दिया, ड्रॉइंग करके नहीं दिया तो तुम फंसना नहीं। यहाँ पर बेटा ऊपर क्रेडिटर है, सी पहले आता है देखो वो ऊपर है, डी बाद में आता है वो नीचे है, ठीक है, ऊपर क्रेडिटर आता है नीचे डेटर आता है, ठीक है, ड्रॉइंग बोल सकते हैं, डेटर बोल सकते हैं, फिर ये भी बोल सकते हैं पर्सन हु हैज टू पे, लिख लो किसी भी नाम से आवे तुमको पकड़ना आना चाहिए कहाँ है, पर्सन हु हैज टू पे, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो हु परचेज, क्वेश्चन में ये भी गिवन हो सकता है ही परचेज, तो जिसने परचेज किया उसका नाम यहाँ आएगा, ठीक है ना, एंड डेटर हो सकता है ही हैज टू पे हो सकता है, देन ही परचेज या फिर Person who accepts the bill, he accepts the bill, he accepts the bill, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, person who makes the bill, makes का दूसरा नाम क्या है, draws the bill, और ये accept किया bill को, ठीक है, तो ये इस आदमी का तुम नेम एंड एड्रेस लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ रहेगा, एक्सेप्टेड इनवर्टेड कॉमास में लिखना, एक्सेप्टेड ये ब्रैकेट नहीं डालेंगे, एक्सेप्टेड फिर से एसडी सिग्नेचर, किसका किसका सिग्नेचर आएगा यहाँ, ड्रॉई, हाँ ड्रॉई का मतलब इसी आदमी का सिग्नेचर यहाँ, ठीक है, और डेट भी आए, तो स्टैंप लगाना नहीं भूलना, हेडिंग लगाना नहीं भूलना, अमाउंट नहीं भूलना, फिर जो ड्रॉवर है उसका नेम एड्रेस और डेट नहीं भूलना, तुरंत यहाँ एसटी करके ड्रॉवर लिखना पड़ेगा, मतलब ड्रॉवर का नेम लिखो यहाँ पर, ठीक है, टू ड्रॉई लिखना, उसका नेम एंड एड्रेस लिखना, एक्सेप्टेड इनवर्टेड में डालना, एसडी लिखना, ड्रॉई लिखना, डेट लिखना। अब आते हैं इस लैंग्वेज पे, लैंग्वेज क्या हो सकती है, जनरली वेरी वेरी कॉमन लैंग्वेज, जो भी जितने भी टाइम का बिल है, सो से 3 मंथ का बिल है तो लिखोगे THRE, ऐसे 3 लिख के नहीं आओगे, 3 मंथ प्रॉपरली लिखोगे, 3 मंथ आफ्टर
date. थ्री मंथ आफ्टर डेट पे टू, खुद को ही है कि किसी और का भी नाम हो सकता है, पे टू, यदि खुद का ही है तो पे टू मी और माई ऑर्डर लिखो, याद होगा पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज अब यहाँ पे फिगर में 40,000 कोई नहीं लिख के आएगा, प्रॉपर लिखोगे 40,000 ओनली, फिर कॉमा लगाओगे और लिखोगे फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, समझ में आया बेटा? हाँ मैं समझ गया। यदि तुमको ये इजी वाला समझ में आया है, नेक्स्ट क्लास में एक डिफिकल्ट वाला मैं पूछ लूंगी जो पास पेपर का है। अच्छा अभी मेरे को एक दो जर्नल एंट्रीज और डिस्कस करनी है कि हम बैंक से जब डिस्काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं क्लियर कर दूं, ये सबने कॉपी कर लिया है? हाँ मिस। ड्रॉवर की बुक्स में और ड्रॉई की बुक्स में देखो टेक्स्ट बुक के सम्स कर लेना, नहीं तो अभी मैं कंटिन्यूस इसी का टेस्ट दूंगी अकाउंट से, फिर फंसो। अभी डिस्काउंट करते बिल विद बैंक, मतलब इसको इसको वो नहीं था टाइम कि 3 महीने वेट करे, उसने बैंक से जाके बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करा लिया, तो इसके तो बैंक में पैसा आ जाएगा ना सेलर के, तो वो एंट्री क्या करेगा बैंक में पैसा आने का, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला लेकिन कुछ तो कटा ना उसका, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि 30,000 का पूरा 30 नहीं मिलेगा, 29 ही मिलेगा, तो 1,000 तो डिस्काउंट में उड़ गया ना, तो लिखो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, मान लो वो 30 वाला बिल था तो बैंक में 29 ही आया, डिस्काउंट 1,000 का इसका खर्चा हो गया, एक्सपेंस को डेबिट किया, टू बिल्स रिसीवेबल 30,000, ये बैंक से डिस्काउंट करने का एंट्री है। अच्छा एक बार, कई बार ना हम जल्दी जल्दी में हड़बड़ी करके सम रॉन्ग कर देते हैं, एंट्री रॉन्ग, एक बात याद रखना ये बैंक और डिस्काउंट जो है ना रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यदि बैंक डेबिट होगा ना डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, बैंक क्रेडिट होगा ना डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा, यदि हड़बड़ी में तुम बैंक डेबिट और डिस्काउंट क्रेडिट लिख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, अरे मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ, कुछ तो रॉन्ग कर, ठीक है, बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट ही, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट तो भी यार, और जब इसने बैंक से डिस्काउंट किया है ड्रॉई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये ड्रॉवर और बैंक के बीच में हुआ, ये खड़ा ड्रॉवर, एक और बात समझाओगे क्या? हाँ मैं एक और बात समझाऊंगा, देखो ये ड्रॉवर है और ये बैंक है, ड्रॉवर और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, इसमें ड्रॉई क्या करेगा, मतलब ये तो वही बात हो गई कि सोमेश और सिद्धार्थ लड़ रहे हैं, अरे राघव राठी सोचेगा मैं क्यों जाऊं, इनको लड़ने दो, मैं बीच में गया तो मेरा भी दांत तोड़ देंगे दो चार, ठीक है ना, तो वो दोनों को कर ले दो, तो पहली बात तो डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ बिल मतलब बिल को डिस्काउंट किया मैंने, मतलब मैंने 3 मंथ का बिल था लेकिन मुझे आज ही पैसा चाहिए, तो मैं किसके पास गई, मैं ड्रॉवर हूँ, मैं बैंक के पास चली गई कि ये 30,000 का बिल आप पकड़ो लेकिन है ना मुझे अभी पैसा दे दो, जो डिस्काउंट का काटने काट लो, बैंक ने बोला ठीक है मैं तुमको पैसा दे देता हूँ, तो मैं ये ड्रॉवर खड़ी हूँ, ठीक है ना, तो ड्रॉवर में मैं एंट्री क्या करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे तो अभी तुरंत पैसा मिल गया ना, और पैसा आता है मेरी बुक्स में तो डेबिट ही करते, तो मैं करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि 1000 का मेरा खर्चा हुआ और एक्सपेंस है तो डेबिट करेगी ना, टू बिल्स रिसीवेबल 30,000, बिल रिसीवेबल को अब मैंने क्रेडिट किया क्योंकि उसकी जगह मैं पैसा ले चुकी हूँ। और ड्रॉई, देखो ट्रांजैक्शन है ड्रॉवर और बैंक के बीच में, ड्रॉई की बुक्स में नो एंट्री होगी, कोई ट्रांजैक्शन किसने जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ड्रॉवी क्यों कुछ भी करेगा। जैसे मैंने बोला कि सोमेश और सिद्धार्थ लड़ रहे, तो ये राठी बीच में क्या करेगा जाने, कुछ नहीं करेगा, वो अपने घर में शांति से बैठा है, वो ड्रॉई है, वो कोई एंट्री नहीं, नहीं साग लगाता है वो नो एंट्री, ठीक है। चलो आदि नहीं समझेगा भाई, तेरा काम है आदि वो। अच्छा डिस्काउंट, जो डिस्काउंटेड बिल है अभी वो ऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट, डिस्काउंटेड बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट, मतलब अभी पैसा मिल गया तो अभी वो पैसा डिस्काउंटेड बिल मुझे तो पहले ही मिल चुका है ना, अभी डिस्काउंटेड बिल ऑनर होगा तो ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में है, बैंक ने पैसा ले लिया ड्रॉवी से, ठीक है ना, तो अब मुझे क्या पंचायती पड़ी है, बैंक ने ड्रॉवी से पैसा ले लिया तो मेरे बुक्स में नो एंट्री, मेरा तो पहला ही ट्रांजैक्शन यहाँ होके खत्म हो चुका है, और ड्रॉवी क्या एंट्री करेगा, वो पैसा दे रहा है और वो पूरा 30 ही देगा तो वो एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट, अभी बिल पेबल लायबिलिटी थी जो खत्म हो रही है, लायबिलिटी को खत्म होने के लिए क्रेडिट का मुझे डेबिट टर्न करना पड़ेगा, तो बिल पेबल और ड्रॉवी का पैसा जा रहा है तो वो करेगा टू बैंक, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पूरा 30 वो बैंक को दे देगा। ये यदि एंट्री नहीं आई है तो कोई बच्चा बोल भी सकता है कि मिस नहीं आई है, तो वापस सीखेंगे, पर आ गई तो मैं आगे जाती हूँ, एक बार वापस बोलो ना। ठीक है, देखो ड्रॉवर मतलब द सेलर ऑफ द गुड, यानी कि जिसने बिल बनाया था, मेकर ऑफ द बिल या राइटर ऑफ द बिल, तो मैं बैंक के पास गई और मैंने बोला कि है ना भैया मेरा तो अभी डिस्काउंट कर दो बिल, मेरे को तो 3 महीने वेट नहीं करना, तो मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अभी 3 महीने बाद ड्यू डेट आई और वो ड्यू डेट पे मुझे करना क्या है, जो ड्रॉई है वो सीधा बैंक को पेमेंट करेगा, ये ड्रॉई खड़ा है वो बैंक को पेमेंट करेगा 30,000, मेरे तो मैंने ले लिया ना 29/1 डिस्काउंट कर दिया, तो अब मैं कुछ एंट्री नहीं करने वाली, सिर्फ ड्रॉई अपने बुक्स में एंट्री करेगा कि मैं बिल पेबल का पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। और प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ और स्मार्ट बनो, यदि दोनों की बुक्स में एंट्री है, मतलब दोनों का क्वेश्चन पूछा है और बिल बैंक से डिस्काउंट हुआ है, या बाजू बाजू में खींचोगे यदि, तो तुम देखो ना बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वी आर इधर नो एंट्री और इसके अपोजिट में इधर नो एंट्री बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ रहा है क्या? हाँ मिस, ठीक है ना। हाँ मिस। अच्छा अभी नेक्स्ट क्या है, यदि डिस्काउंटेड बिल है वो डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, चले ये जो ड्रॉई है ये पैसा ही नहीं दिया ड्यू डेट पे, तो क्या अभी मैं तो बैंक से पैसा लेके बैठी हूँ और ये मुझे पैसा ही बैंक को इसने पैसा ही नहीं दिया, बैंक मुझे छोड़ेगी क्या, बैंक ये क्या कैसा बिल दिया है तुमने, ये ना पैसा ही नहीं दे रहा है, तो एंट्री है मतलब क्वेश्चन है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो अभी मैं क्या बोलूंगी, ड्रॉई पैसा क्यों नहीं दिया, एज अ ड्रॉअर मैं इसको पकड़ूंगी, पैसा दे तूने पैसा क्यों नहीं दिया, तो है ना मैं मेरी बुक्स में क्या एंट्री करूंगी, सबसे पहले ड्रॉई को डेबिट करूंगी कि मैं इससे पैसे मांग रही हूँ, तू मेरा करंट एसेट है, तो मैं एंट्री करूंगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट, और अभी मेरे को तो पैसा देना पड़ेगा ना टू बैंक,
ठीक है, वो बाद में इससे लूंगी, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया मेरा, और ये क्या एंट्री करेगा? सबसे पहले मैंने यहाँ ड्रॉई डेबिट किया है, तो ये यहाँ किसको क्रेडिट करेगा? टू ड्रॉवर, और एक बात बताओ, इसके लिए बिल पेबल है ना, तो बिल पेबल जो इसका डिस्चार्ज नहीं हुआ था, मतलब अभी इसको ड्रॉवर को वापस पैसा देना है, तो ये एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट। यदि पैसा दे देगा तो एंट्री कर रहा था बिल पेबल टू बैंक, पैसा दिया नहीं है तो एंट्री कर रहा है बिल पेबल अकाउंट डेबिट। अरे वापस से ड्रॉअर क्रेडिटर बन गया, वापस से मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा, छोड़ थोड़ी ना देंगे उसको। यहाँ तक का समझ में आया क्या तुम लोग को? प्लीज रिजॉइन करना मीटिंग रिजॉइन करना, मैं ये आज एक्सप्लेन करके पूरा रखूंगी। हाँ मैम।